आज तक हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में दर्जनों टाइम ट्रेवल मूवीज देखी होंगी, लेकिन जैसा कि टाइम की खासियत होती है कि वो किसी एक बहाव में नहीं बहता, टाइम ट्रेवल मूवीज का भी कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। और एक्चुअली टाइम ट्रेवल जॉनरा के अंदर भी कई सब जॉनराज हैं जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक्चुअली आपको पता चलेगा कि हमने अब तक 8 तरह की टाइम ट्रेवल मूवीज देखी हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लूज टाइम ट्रेवल, या यू कहा जाए कि टाइम ट्रेवल का एक ऐसा नियम जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कैजुअल ऑडियंस के सामने टाइम ट्रेवल को रखने का ये बहुत ही आसान तरीका होता है, चाहे यहाँ पर चीजें सेंस बनाए या फिर ना बनाए। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पर बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1 की बात करते हैं, जहाँ पर मार्टी मैकफ्लाई पास्ट में सब कुछ ठीक करने के लिए गलती से पास्ट में पहुँच भी जाता है, हफ्ते भर तक बिता भी लेता है, वहाँ पर कई चीजों को बदल भी देता है और एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सब कुछ ठीक भी कर देता है। इसी तरह का टाइम ट्रेवल हमने कुछ डॉक्टर हू में भी देखा था, जहाँ पर जब विंसेंट वैन गो को फ्यूचर में उसकी पेंटिंग का इम्पैक्ट दिखाने के लिए लाया जाता है तो इसका असर कुछ खास टाइमलाइन में देखने को नहीं मिलता। आई मीन फ्यूचर में आने के बाद उसने कुछ तो देखा ही होगा, उसे कुछ न कुछ तो इंस्पिरेशन मिली ही होगी, बट नहीं, इसका असर कुछ फ्यूचर में देखने को नहीं मिला। रीजन बड़ा सिंपल सा है, ये एक कैजुअल फॉर्म ऑफ टाइम ट्रेवल है जो कैजुअल ऑडियंस के लिए बनी है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टाइप है टाइम ट्रेवल का, क्योंकि इस टाइप ऑफ टाइम ट्रेवल से हमें पता चलता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम टाइम का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और अगर आपको समझ नहीं है कि टाइम ट्रेवल होता कैसे है, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई, लेकिन मैं हूँ एक सुपर जीनियस जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए मैं टाइम में उसी समय पीछे जाता हूँ और अपने दोस्त को एक गाड़ी से जल्दबाजी में ढूंढने लगता हूँ। टर्न्स आउट कि मैं जल्दबाजी में किसी गाड़ी से टकरा जाता हूँ जिसमें मैं तो बच जाता हूँ बट सामने वाला ड्राइवर मारा जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही था। इन शॉर्ट, किस्मत में लिखा था कि मैं ही अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार बनूंगा। खैर, ये तो मैंने आपको बड़े ही आराम से बता दिया, लेकिन इसी चीज को कई गुना खतरनाक तरीके से प्री डेस्टिनेशन मूवी के अंदर दिखाया गया था। साथ ही साथ टर्मिनेटर मूवीज के अंदर भी इस चीज का एक छोटा सा हिंट देखने को मिला है, जहाँ पर स्काइनेट जितना भी चाह ले वो जॉन कॉर्नर को समय से पहले नहीं मार पाती और जॉन कॉर्नर रेजिस्टेंस शुरू ही कर देता है। ब्रांच टाइमलाइन, या यू कहा जाए अल्टरनेट रियलिटी का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, और सुपर हीरोज और मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए पुराने जमाने से ही इस तरह के टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सब्जेक्ट या प्रोटैगनिस्ट पुराने जमाने में टाइम ट्रेवल करता है और अगर वो किसी प्रकार से अपने एक्शन से प्रेजेंट को चेंज कर देता है तो उसकी टाइमलाइन इफेक्ट होने के बजाय एक नई अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाती है जो अपने आप में एक सेपरेट यूनिवर्स बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स एंड गेम और लोकी सीरीज ने तो अपने फैंस को रटवा दिया है, बट हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी ये कहीं न कहीं सेंस भी बनाता है, और एक्चुअली रियल लाइफ में भी मल्टीवर्स थ्योरी एग्जिस्ट करती है जो सजेस्ट करती है कि टाइम ट्रेवल हुआ तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। अब आप यकीन करिए या ना करिए, टाइम डायलेशन शायद इस लिस्ट का इकलौता तरीका है, साइंटिफिकली प्रूवन है और इसका लॉजिक बहुत हद तक सही होता है। इतना सही कि कभी कभार इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हिस्सा है आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी का, जिसके अंदर माना जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रफ्तार को तेज करता है तो उसके लिए समय का प्रभाव थोड़ा धीमा पड़ जाता है, जो छोटे मोटे मायनों में तो कुछ सेकंड या किसी मिली सेकंड के कुछ दसवें या हजारवें हिस्से जितना ही फर्क पड़ता होगा, लेकिन यही रफ्तार अगर लाइट से मैच कर दी जाए तो बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। रियल वर्ल्ड में तो हम मास और एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अभी तक हमें ये देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका एक बहुत ही सटीक एक्सप्लेनेशन हमें इंटरस्टेलर मूवी के अंदर देखने को मिला था, जहां पर मिलर के प्लैनेट पर टाइम का प्रभाव कुछ ज्यादा ही तेज चलता है, क्योंकि पास मौजूद ब्लैक होल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से टाइम पर असर डालता है। खैर, इसमें भी एक कमी है, जहां पर इस मेथड से आप फ्यूचर में बहुत आराम से तो जा सकते हैं लेकिन पास्ट में नहीं। खैर, पॉप कल्चर के अंदर टाइम ट्रेवल का एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और वो है टाइम लूप का, जहां पर एक प्रोटैगनिस्ट यूजुअली एक दिन को या एक पर्टिकुलर इवेंट को बार बार जीता है, जब तक कि अंत में वो उस चीज को या तो रिडीम ना कर ले या उससे वो कुछ सीख के आगे ना बढ़ जाए, जिसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल 1993 के द ग्राउंड हॉग डे मूवी को माना जाता है, जिसके अंदर बिल मरे का कैरेक्टर ग्राउंड हॉग डे को बार बार जीता है, और माना जाता है कि यही मूवी इंस्पिरेशन थी एज ऑफ टुमारो मूवी की। लेकिन सच तो यह है कि इन सबसे पहले 1915 की रशियन नॉवल स्ट्रेंज लाइफ ऑफ आइवन ओसोकिन के अंदर इस चीज को पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया था, जिस कॉन्सेप्ट को 1965 में और अच्छे से समझाया यासुताका
का सुत्सुई की साइंस फिक्शन नॉवेल द गर्ल हु लेप्ट थ्रू टाइम में। एंड ऑफ कोर्स आज के टाइम में एज ऑफ टुमारो को इसका एक बेहतरीन एग्जांपल माना जाता है, पर रियल लाइफ साइंस से इसका शायद अभी कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा सीइंग द फ्यूचर भी एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिस मशीन को रोहित मेहरा कभी बना ही नहीं पाया। एनी हाउ फॉर सीइंग अ फ्यूचर और प्रोफेसी ये भी एक काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, बट उसके चक्कर में प्रेजेंट का बहुत बड़ा कबाड़ा होता है और अंत में वही होता है जो हमें देखने को मिला। बस कहानी के अंत तक एक नया पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है। ऑफ कोर्स इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें क्रिश मूवी के अंदर देखने को मिला, जहां पर रोहित मेहरा अपने फ्यूचर को देखकर भी उसे बदल नहीं पाया। लेकिन इससे पहले हमें ये चीज स्टीवन स्पीलबर्ग की माइनॉरिटी रिपोर्ट के अंदर भी देखने को मिली थी, जहाँ पर टॉम क्रूज का कैरेक्टर फ्यूचर देख लेता है कि वो किसी का मर्डर करने वाला है और ये मर्डर एक्चुअली कैसे होने वाला है कहानी इसी पर रिवॉल्व करती है। माइंड या कॉन्शियस ट्रेवल, जहाँ पर कैरेक्टर तो फ्यूचर में ही होता है बट उसका कॉन्शियस अपने पास्ट में चला जाता है ताकि वो फ्यूचर में होने वाले किसी प्रॉब्लम को होने से रोक सके। डेफिनेटली सुपर हीरो फैंस को इसका एक एग्जांपल एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में समझ में आ रहा होगा, बट इस मूवी के साथ साथ डोनी डार्को भी इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहां पर जेक जिलेनहॉल का कैरेक्टर एक प्लेन क्रैश का शिकार हो जाता है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस 28 दिन पहले वापस चली जाती है और यहीं पर उसे मौका मिलता है प्लेन क्रैश को रोकने या न रोकने का। अब इसके अलावा टाइम ट्रेवल्स की इस पूरे के पूरे जॉनर्स की लिस्ट में एक और जॉनर जुड़ चुका है, थैंक्स टू आवर फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जहां पर उनकी मूवी टेनेंट के अंदर हमें टाइम रिवर्सिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जहां पर टाइम के फ्लो को उल्टा दिखाया गया था क्योंकि वो अपने फ्यूचर नहीं बल्कि पास्ट की तरफ बढ़ रहे थे और यही फैक्ट था जिसने दुनिया भर के लोगों के दिमाग का MDH मसाला कर दिया। और टाइम ट्रेवल को लेकर ये बेसिकली इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि अब तक इसकी कोई और इटरेशन नहीं बनी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन से टाइप्स ऑफ टाइम ट्रैवल मूवीज के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।